गुरु और शिष्य का रिश्ता बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जहां एक के पास अनुभव और ज्ञान का सागर होता है तो दूसरा उसे ग्रहण कर रहा होता है। अभी बीते दिनों पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक शिक्षक एक छात्रा को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा होता है। इसको देखकर तमाम लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं, लेकिन इसके इतर अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दरअसल ये खबर गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के त्रिमोहिनी प्रताप चंद हाई स्कूल से सामने आई है। बताया जा रहा है कि 9वीं की एक छात्रा जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखती है, उसे अनुशासन का पालन न करने पर एक महिला टीचर ने उसका कान पकड़कर डांट दिया था, जिसके बाद छात्रा के परिजन और समुदाय के कुछ लोग स्कूल पहुंच गए और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने प्रिंसिपल के सामने इस बात की शिकायत कर दी। इतना ही नहीं, कुछ लोग महिला टीचर के ऑफिस में चले गए, जिसके बाद उन्होंने महिला टीचर के साथ अभद्रता तो की ही, लेकिन टीचर को मारना भी शुरू कर दिया, जिसमें उनके वस्त्र तक फट गए थे। जिसके बाद स्कूल के अन्य मौजूदा टीचर्स ने पुलिस को सूचना दी और घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तुरंत स्कूल पहुंच गया और मामले को शांत कराया। वहीं घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भड़का हुआ है, जिसके विरोध में शनिवार को स्थानीय लोगों ने सड़कों पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस मामले की शिकायत स्कूल प्रबंधक ने हिली थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने रविवार को इस घटना को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि अगर एक शिक्षिका ने एक छात्रा को अनुशासन का पालन न करने पर डांट लगा दी तो उसके चलते परिजनों द्वारा इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना क्या सही है? कहीं ना कहीं उस शिक्षिका को इतनी बेरहमी से मारना शर्मनाक करने वाला मामला है। और यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि क्या टीचर्स का बच्चों को समझाना इतना महंगा पड़ सकता है? आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।